कर देना चाहिए। जब उनसे पूछा गया कि 2024 के चुनाव में गठबंधन को कितनी सीटें मिलेंगी, तो उन्होंने कहा कम से कम 300 सीटें मिलेंगी। लालू यादव जी के बातों को सुनिए, मुस्कुराइए, हंसिए और उड़ा दीजिए। लालू जी कब क्या बोलते हैं वो वही समझ पाते हैं उसके मीनिंग, या उनके घर के लोग समझ पाते हैं, हमारे और आपके बस के लोग के नहीं है। वो इसी तरह कुछ से कुछ बोलते रहते हैं, मीडिया में बने रहने के लिए व्यंग करते रहते हैं। राहुल गांधी में ये यूसीसी पर बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा कि लॉ कमीशन ने सभी की राय मांगी है, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत सारी गलत सूचनाएं हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को सही जानकारी मैंने देने की दिशा में काम करना चाहिए। निश्चित रूप से जो भारत में सबों के लिए जो जरूरी और जो भारत का संविधान कहता है, और सबको एक कानून के दायरे में प्रतिष्ठामूलक जिंदगी जीने का अधिकार है, अगर यह बात सरकार करना चाहती और कहना चाहती तो इसमें किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। मुस्लिम लॉ बोर्ड ने यूसीसी पर कहा है कि बहुसंख्यकवादी नैतिकता अल्पसंख्यक अधिकारों का हनन नहीं कर सकती है। भारत की विधि आयोग को पत्र लिखकर यूसीसी के प्रति अपना विरोध दोहराया और रेखांकित किया है कि बहुसंख्यवादी नैतिकता होनी चाहिए, अल्पसंख्यक समुदायों की धार्मिक स्वतंत्रता और अधिकारों का हनन न करें। धार्मिक स्वतंत्रता पर कोई यह कह भी नहीं रहा है कि आप, कहेगा भी नहीं कि आप कुरान पढ़ते हैं तो आप रामायण पढ़ने लगे, ऐसा कोई किसी देश के, और भारत के तो सेकुलर स्टेट है, कोई कह भी नहीं सकता है। लेकिन एक नियम कानून सोसाइटी में तो रहता है, और जिन मुद्दों को वो समझ रहे हैं और जिन मुद्दों पर भारत की सरकार एक संघीय ढांचा में एक तरह के कानून चाहते हैं, वो उससे दूर बात करते हैं। एनसीपी में सत्ता को लेकर के खींचतान जारी है। इस बीच राहुल गांधी जो है दिल्ली में शरद पवार से मुलाकात करने पहुंचे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को अपनी पार्टी में विद्रोह के बीच अनुभवी नेता को समर्थन देने के लिए एनसीपी अध्यक्ष के आवास पर जाकर के शरद पवार से मुलाकात की। अब चिराई उड़ गया तो समर्थन देने से क्या होगा? अब इन लोगों का महाराष्ट्र में सब कुछ खत्म हो गया है। ये जो परिवारों के साथ बांध के सारे नेताओं को रखे हुए थे, उससे उन परिवारवादी सोचों से निकल के सुग्गा उड़ गया और अपने अपने स्थान को पकड़ लिया। अब इनको छाती पीटने से कुछ होने वाला नहीं है। भाजपा 2022 में पश्चिम बंगाल की चुनाव नहीं जीत सकी, इसलिए उन्होंने बंगाल के लोगों पर एक तरह से युद्ध की घोषणा कर दी। वे बदले की राजनीति पर काम कर रहे हैं। हमने बंगाल के लोगों पर भाजपा की नफरत के प्रभाव को देखा और महसूस किया है। भाजपा की लड़ाई जनता से नहीं बल्कि तृणमूल कांग्रेस से है, लेकिन वे नाराजगी के कारण हमारे लोगों का पैसा रोक रहे हैं। ईडी और सीबीआई के बहुत सारे मामले सामने आए हैं। मैंने उनसे कहा है कि वे हमारे पिछले 100 दिनों के काम को प्रस्तुत कर सकते हैं और जनहित याचिका जारी कर सकते हैं, लेकिन वे सभी इस समय बात कर रहे हैं पंचायत चुनाव से पहले। टीएमसी सांसद ने यह आरोप लगाया है अभिषेक बनर्जी ने। नहीं, वो तो आरोप लगाएंगे ही, वो आरोप लगाते रहते हैं टीएमसी के लोग। जब उनकी स्थिति खराब होती है तो चिल्ला चिल्ला के, हल्ला करके, छाती पीट के लोगों को भ्रम पैदा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी इससे घबराने वाली नहीं है, और आने वाले कमिंग चुनाव में उनको यह पता चल जाएगा कि वो कहाँ है और भारतीय जनता पार्टी कहाँ है।